Friends, today I am going to discuss about RCC circuit. Okay, मैं आपको already simple R circuit and simple capacitor circuit के बारे में already बता चुकी हूँ. Here you can see a circuit that contain a pure resistance R ohms connected in series with a pure capacitor of capacitance. C is known as RC series circuit, means resistance and capacitance connected in series में, इसलिए हम इसे RC series circuit बोल रहे हैं, okay? Now I will start where we have given one circuit diagram where this is alternating supply and this is voltage, okay? Series में current same होता है, you know very well, means जो current resistance में flow होगा, वही same capacitance में flow होगा, okay? बट सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है, मींस आर का वोल्टेज वीआर होगा, मींस आर का वोल्टेज कुछ और होगा एंड सी का वोल्टेज वीसी होगा. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल ड्रॉ फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम हियर यू कैन सी, मैं आपको ऑलरेडी सिंपल आर सर्किट में बता चुकी हूं. आर में सिंपल रेजिस्टेंस की कंडीशन में करेंट सेम फेज में होते हैं, मींस वोल्टेज एंड करेंट इन सेम फेज. बट कैपेसिटर, कैपेसिटर की कंडीशन में मींस सी की कंडीशन में करेंट लीड करता है एंड वोल्टेज लैग. ओके, एंड एल की कंडीशन में आपने पढ़ा था करेंट लैग करेगा देन वोल्टेज लीड. ओके, मींस अपोजिट होता है आई बी अपॉन आर के अकॉर्डिंग. ओके, यदि करंट लीड कर रहा है देन वोल्टेज लैग करेगा, करंट लैग कर रहा है देन वोल्टेज लीड करेगा. ओके, यू नो वेरी वेल इन कैपेसिटर कंडीशन करंट लीड कर रहा है देन वोल्टेज लैग करेगा. यहां हम फेजर डायग्राम वोल्टेज की कंडीशन के लिए बना रहे हैं, देन दिस इज फॉर रेजिस्टेंस. फर्स्ट हम रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ करेंगे, वोल्टेज एंड करेंट सेम फेज में होंगे, देन this is I and this is V R. okay, resistance voltage है. अब आप capacitance के draw करते हैं, capacitance की condition में आपने पढ़ा है current lead करेगा and voltage lag करेगा. lag करेगा voltage means नीचे की side लेंगे, then हम इसे ऐसे draw करते हैं 90 degree lag करेगा, then this is V C. okay, means we will say V C. okay, now we will draw resultant voltage. this is resultant voltage, this is resultant voltage. आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, this is resultant voltage. इसे मैं V से डिनोट करती हूं. okay, now this is V C, ये VC है, इसके इधर भी सेम VC लिखते हैं एंड दिस इज VR, दिस इज VR. ओके, अब आपने ऑलरेडी पढ़ा है VR इक्वल मींस रेजिस्टेंस का वोल्टेज का फॉर्मूला है VR इक्वल IR एंड VC इक्वल IXC. मैं आपको ऑलरेडी अपनी अर्लियर स्लाइड में बता चुकी हूं, यू कैन सी. ओके, VC कंडीशन है फॉर्मूला आई एक्स सी, वेयर एक्स सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. एक्स सी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड रिजल्टेंट वोल्टेज. हम रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं, मींस मैं यहां दोबारा ड्रॉ कर देती हूं फेजर डायग्राम. दिस इज वी आर एंड दिस इज वी सी. This is V and this is VR and this is VC. Okay, means हम ये एंगल लेते हैं, इसे मैं O नेम देती हूं and this is A and this is B. Okay, triangle O A B. Okay, now हम यहां V find करेंगे. V equal आपने trigonometry condition में पढ़ा होगा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, कर्ण स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल
lump square plus aadhar square. Okay? For Hindi medium students and English medium students के लिए आपने पढ़ा है K. K means आपने already पढ़ा होगा. This is hypotenuse means H square equal opposite square plus A means आधार means base या फिर adjacent square. Okay? इसे हम find कर लेते हैं. Here H को V से denote किया है means this is V square equal opposite means VC square plus this is VR square. Okay? Now we will find V find करते हैं. Then V equal under root VC square plus VR square. Okay? Put the value put करेंगे. Then V equal under root VC, अभी आपने formula पढ़ा था, I XC whole square plus VR is IR whole square. Then solve this. I square XC square plus I square and this is R square. I square common ले लेते हैं. Then we will get V equal I बाहर निकाल लेंगे. I square common लेके हम इसे under root के बाहर निकाल लेंगे. Then हमें I मिलेगा. I under root XC square plus R square. Okay? Means V equal I, इसे हम R square plus XC square भी लिख सकते हैं. Then we will get V equal I Z. Okay? इसे हम by Z से denote करते हैं. Z means impedance. इसका formula RMC की condition में होता है. Z equal under root R square plus XC square. Okay? And आपने inductance की condition में पढ़ा था, L की condition में पढ़ा था. Z equal under root R square plus XL square. Now we will find phase angle. Phase angle को हम phi से denote करते हैं. Phase angle means इसे हम phi से denote करते हैं. Tan phi. Okay? मैं दोबारा draw करती हूँ diagram. Then this is VR, this is VC, and this is resultant voltage VC and this is V. Okay? अभी हमने find किया था resultant voltage. This is VR. Resultant voltage find किया था V equal I into Z. Okay? Means यहाँ हम V equal I Z put कर देंगे. V equal I Z. Then phase angle को हम tan phi से denote करते हैं. Tan phi आपने formula पढ़ा है trigonometry की condition में opposite upon adjacent. Means हमने ये angle लिया है OAB. Then opposite means AB upon adjacent means OA equal where AB is BC, put here BC and OA means VR. Then put the value VC equal IXC and VR is IR. I से I cut कर देंगे. Then we will get XC upon R. Then phase angle phi equal tan inverse XC upon R in capacitance condition. Okay? And Hindi medium students के लिए tan phi आपने पढ़ा होगा. Tan phi होता है लाल upon कक्का के according आपने पढ़ा होगा. Lump upon आधार means VC upon VR. उसके according आप ऐसे ले लेंगे VC upon VR. Okay? वैल्यू पुट करेंगे. देन phi equal tan inverse XC upon R. Now इन पोलर फॉर्म, अभी ये सिंपल फॉर्म में था आपका इम्पीडेंस. इन पोलर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे इम्पीडेंस? इन पोलर फॉर्म ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है. Z equal इंडक्टेंस, जब R एंड L कनेक्ट होता था हम लिखते थे R plus J XL. Okay?
बट जब कैपेसिटेंस कनेक्ट है मींस आरसी कंडीशन में फॉर्मूला होता है आर माइनस जे एक्ससी, ओके आर माइनस जे एक्ससी एंड एक्ससी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, मींस एक्ससी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, देन पुट हियर जेड इक्वल आर माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, ओके एंड वेयर पोलर फॉर्म के लिए पूरे इसको ऐसे लिख सकते हैं z इक्वल अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर tan एंगल tan इनवर्स x अपॉन r, ओके ये फॉर्मूला आपके लिए न्यूमेरिकल्स में यूज आएगा z इक्वल अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंगल tan इनवर्स x अपॉन r इन पोलर फॉर्म, ओके सिंपल फॉर्म में था z इक्वल अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड पावर, पावर का फॉर्मूला है p इक्वल वी आई, पुट द वैल्यू c की कंडीशन में आपने करेक्ट पढ़ा था i इक्वल i n साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके देन पुट हियर पी इक्वल वी सेम है वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके देन सिंपल दिस वी एम इंटू आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके हियर दिस इज पी इक्वल आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वी एम आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी, ओके आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन यू इंटू साइन बी देन साइन यू इंटू साइन बी के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है v इक्वल हाफ कॉस यू माइनस वी माइनस कॉस यू प्लस वी देन पुट द वैल्यू हाफ कॉस हियर u इज ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा टी प्लस फाइव v इज ओमेगा टी मीन्स दिस इज साइन u into sin v then u is omega t plus 5 and v is omega t minus cos omega t plus 5 minus omega t, okay then minus cos omega t plus 5 plus omega t मैंने सिर्फ सिंपल वैल्यू पुट की है then omega t से omega t कट कर देंगे then we'll get half cos 5 minus cos 2 omega t, okay then p equal vm im upon 2 cos 5 minus cos 2 omega t plus 5 cos 2 omega t plus 5, ओके देन सॉल्व इट इसे हम सिंपल कर लेते हैं देन वी एम आई एम अपॉन टू कॉस फाइव माइनस वी एम आई एम अपॉन टू कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके अब यहां आप देख रहे हैं दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है आपकी डबल है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर क्या होगी आपकी कंज्यूम्ड हो जाएगी मींस फ्रीक्वेंसी आपकी डबल कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं होना चाहिए देन हम इसे जीरो कर देंगे, हमने इसे जीरो कर दिया है देन पावर पी इक्वल वी एम आई एम अपॉन टू कॉस फाइव, इसे और सिंपल लिख लेते हैं वी एम अपॉन रूट टू इंटू आई एम अपॉन रूट टू कॉस फाइव। अब आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा वी आर एम एस को हम वी अपॉन रूट टू बोलते हैं देन दिस इज
VRMS into IRMS formula होता है IM upon root 2 IRMS cos phi P equal then VRMS into IRMS into cos phi then इसे हम VI cos phi लिख लेते हैं. This is power formula in RC series circuit. Okay. Now we will find power factor. Power factor को cos phi से denote करते हैं. Power factor by cos phi. मैं phasor diagram again draw करूंगी. This is VR and voltage lead कर रहा था. हमने नीचे draw किया था. This is VC. This is resulting voltage. इसे V से denote कर रहे थे. And this is VC. Sorry, this is VCA. इधर भी VC होगा. Same. This is VC. Okay. एंगल हमने लिया था ओ ए बी. cos phi मींस आपने ट्रिग्नोमेट्री में cos phi फॉर्मूला पढ़ा है. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस देन cos phi इक्वल एडजेसेंट मींस वी आर अपॉन वी. ओके. एंड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा लाल अपॉन कक्का के अकॉर्डिंग आधार अपॉन कर्ण मींस VR upon V. Okay? आपने cos phi पढ़ा होगा VR upon V. मैंने वैल्यू पुट कर दूंगी VR equal IR and resulting voltage हमने फाइंड किया था IZ. I से I कट हो जाएगा then cos phi equal R upon Z. This is power factor formula. Okay? इससे हम power को और भी सिंपल कर सकते हैं. Power में आप वैल्यू पुट कर देंगे. Power थी आपकी P equal VI cos phi. Okay? Then, आप इससे और भी simple power निकाल लेंगे. Then, put here, V means आपका total resulting voltage आएगा I, Z into I and cos phi value is R upon Z. Okay? Z से Z cut हो जाएगा. Then, you will get I square R. This is power. पावर मीन्स आप इसे वीआई कॉस फाइव भी लिख सकते हैं एंड आई स्क्वायर आर. ओके. थैंक यू फ्रेंड्स. आप इसे एक दो बार इजली सॉल्व करेंगे आपको आ जाएगा. ओके. आप इसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लीव कमेंट.